समय के साथ उम्र बढ़ती ही है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे कुछ समय के लिए हम थाम सकते हैं। हम जीवन के 30 और 40 के दशक में अगर पहुंच चुके हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें त्वचा की देखभाल और अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए कुछ उपचार हैं जिसको आप आसानी से और घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले, शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने की गति को धीमा करते हैं और त्वचा की रंगत में सुधार लाते हैं। शहद त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित रखता है और झुर्रियों को दूर तक ढीली त्वचा में कसाब भी लाता है। इसको कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले आप 3 से 4 कप गुलाब जल, उसके बाद 1/4 कप ग्लिसरीन, 1 बड़ा चम्मच सिरका, 1/4 चम्मच शहद मिलाकर एक बोतल में रखें। इसे नियमित रूप से अपनी त्वचा को पर लगाएं और उसे साफ करें। इसके अलावा एग यानी अंडा, अंडा एंटी एजिंग गुणों से भरपूर है, इससे त्वचा में कसावट तो आती ही है, इसे भी हम घर पर बना सकते हैं। 1 चम्मच अंडा, 1/2 चम्मच शहद मिलाकर मास्क बनाएं। यह मास्क त्वचा को पोषण तो देता ही है, इसे 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं। यह झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसी प्रकार दही पैक झुर्रियों को फाइन लाइंस का एक मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन। एलोवेरा त्वचा को पोषण, नमी और ताजगी देता है। साथ ही त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हम पी सकते हैं। 2 बड़े चम्मच दही, कुछ बूंदे नींबू के रस और एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बनाएं। पेस्ट में खीरे का एक टुकड़ा डुबोएं और उसे चेहरे पर फेरें। कुछ देर ऐसा करने के बाद सूखने के बाद धो लें। इसके अलावा बनाना यानी केला, केला त्वचा को पोषण देता है, साथ ही कोलाजान भी बढ़ाता है जो झुर्रियों को दूर करने में मदद करता है। 1 केला मेश करके उसमें 2 बड़े चम्मच दही मिलाएं, थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर सकते हैं और त्वचा पर लगा सकते हैं। सूखने के बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। कॉफी पीने के लिए तो अच्छी होती है, आपका मूड भी अच्छा करती है, पर इसके और भी अधिक फायदे हैं। कॉफी से बना मास्क एंटी एजिंग गुणों से भरपूर है, ये त्वचा में कसावट लाता है जिससे त्वचा जमा रहती है। 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच शहद और थोड़े से दही में मिलाकर पेस्ट बनाएं। चेहरे को साफ करके इस मास्क को लगाएं। 20 मिनट बाद हल्के हाथों से 4-5 मिनट बाद मसाज करें और फिर सामान्य तापमान के पानी से धो लें। इस पैक को सप्ताह में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें तो और अधिक परिणाम मिलते हैं। सबसे जरूरी बात कि जब भी आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं यानी अपना मुंह धो रहे हैं तो पानी कोसा यानी गुनगुने पानी से ही धोना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म।